उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने का योगी आदित्यनाथ का अपना अलग फंडा है। योगी राज में अगर एक बार कोई आदेश आ गया तो उस आदेश का पालन होना तय है, क्योंकि जो सरकारी आदेश नहीं मानता, कानून तोड़ता है, उसका अंजाम क्या होता है, ये गले में तख्तियां लटकाने वालों को देखकर समझ जाएंगे। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक एक से बढ़कर एक माफिया आज अगर जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की सख्ती का ही असर है। और ऐसी ही सख्ती इस बार योगी सरकार ने देश भर में छाए लाउडस्पीकर विवाद को लेकर दिखाई। लाउडस्पीकर में आजान के विवाद को लेकर एक तरफ जहां महाराष्ट्र की उद्धव सरकार परेशान नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक बार आदेश जारी किया था कि अब नए धार्मिक स्थलों पर माइक लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी और मंदिरों या मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर की आवाज इतनी होगी कि सिर्फ परिसर तक ही सीमित रहे, इससे दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। योगी के इस आदेश का ही असर है कि बिना किसी विवाद के यूपी की तमाम मस्जिदों और मंदिरों से धड़ाधड़ स्पीकर उतरने लगे, तो वहीं कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। ऐसा पूरे यूपी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये योगी के आदेश का ही असर है कि सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि अब तक 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए गए और 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई। इसके अलावा जो लोग अभी भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजा रहे हैं, शासन ने 30 अप्रैल तक उनकी रिपोर्ट मांगी है। हम लोग 125 लाउडस्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज कम की गई है। अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पे होनी है और इसके अतिरिक्त जो ईदगाहों में नमाज पढ़ी जाएगी वो 7,500 हैं और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो लगभग 20,000 है। योगी के एक आदेश के बाद मंदिर मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटने लगे और कहीं कोई विवाद सामने नहीं आया, कहीं कहीं तो लोग खुद ही लाउडस्पीकर हटाने लगे हैं। कहा गया था तो हारन लगे हुए थे तो हमने उन हारनों को नीचे उतार दिया और मस्जिद के अंदर के में जो स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं बस उसी की हद में आवाज़ वगैरह के लिए कहा गया था, तो हमने बस यही स्पीकर जो है अंदर के बस यहीं तक की आवाज़ रहती है और बाहर की आवाज़ नहीं जाती है। अच्छी बात है कि मतलब आपसी सौहार्द जो बना है वो बना रहे और आपस में भाईचारा जो है उस तरह से अपना कायम रहे, यही मेरी दुआ भी है। और इसी तरह का जो माहौल यहाँ का है अच्छा है, माहौल है तो अच्छे से माहौल में सब लोगों का अपना जो आराम जिसमें मिले वो काम अच्छा है। मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने के साथ ईद की तैयारियों को लेकर भी योगी सरकार एकदम मुस्तैद नजर आ रही है। अलविदा की नमाज यानी रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार को करीब 31,000 जगहों पर नमाज होनी थी। ऐसे में संवेदनशील जिलों में 45 कंपनी पीएसी, 7 कंपनी सीआरएफ और स्थानीय पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया, जिससे सूबे में कोई ऐसी हरकत न कर पाए कि शांति व्यवस्था भंग हो। इतना ही नहीं, अब नए आयोजनों और नए धार्मिक स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। ये बात योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है और कहीं भी अगर ऐसा होता दिख गया तो सरकार सख्ती से निपटेगी। सीएम योगी अपने पहले कार्यकाल से ही यूपी जैसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था कुछ इसी तरीके से संभालते आ रहे हैं। अगर आज योगी सरकार के एक आदेश का सूबे में तुरंत पालन हो रहा है तो इसके पीछे योगी सरकार की सख्ती ही है, क्योंकि कानून तोड़ने वाले गुंडे माफियाओं के खिलाफ किस कदर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है ये पूरा देश देख रहा है। और इस बुलडोजर से कहीं ना कहीं योगी सरकार ने सख्त संदेश देने का काम किया है कि यूपी में अगर कानून से खिलवाड़ किया गया तो यह सरकार माफ करने वाली नहीं। यूपी में योगी सरकार की सख्ती पर आप तक क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।